सतगुरु नानक प्रगट सत श्री अकाल। मैं गुरजीत कौर एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, दैट बिलोंग्स टू सिख हिस्ट्री, दैट वाज गुरु नानक देव जी एंड हिज ट्रेवल्स, जो हमने पीछे के एपिसोड में पढ़ा था। आज गुरु नानक देव जी के द्वारा इस्टैब्लिश किए गए नए इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे, दैट वाज संगत, लंगर एंड गुरुशिप। बट इसके साथ मैंने एक और पॉइंट को भी इंक्लूड किया है, दैट वाज कंडीशन ऑफ विमेन। इसके बारे में गुरु नानक देव जी ने अपने कौन से विचार बताए थे और विमेन की अपलिफ्टमेंट में जो कंट्रीब्यूट किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संगत पढ़ते हैं। संगत का शाब्दिक अर्थ है इकट्ठ या समूह। इसका अर्थ है एक धार्मिक सभा जिसमें गुरु और शिष्य दोनों ही बैठते हैं। गुरु अपने विचार जो है शिष्यों को बताते हैं। गुरु नानक देव जी ने इस सिस्टम को इसलिए शुरू किया क्योंकि उस समय समकालीन समाज में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, रिचुअल्स फॉलो होते थे जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं था और लोग धर्म के वास्तविक रूप को भूल चुके थे। इसलिए गुरु जी ने इस सिस्टम को इस्टैब्लिश किया, या हम ये कहें कि इस इंस्टीट्यूशन को इस्टैब्लिश किया। इसमें गुरु जी ने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया कि जब भी मेरी संगत में लोग आकर बैठेंगे, उसमें जात, धर्म, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग मिलजुल कर बैठेंगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने संगत को साध संगत कहा था। असल में गुरु नानक साहब के द्वारा ये विचार थे कि संगत का रूप सत संगत या साध संगत होना चाहिए। उन्होंने अपनी एक रचना में कहा भी है कि संगत धर्मी लोगों की एक ऐसी सभा है जिसमें सिर्फ एक ईश्वर का नाम ही जपा जाता था। गुरु नानक साहब के द्वारा करतारपुर में अपने शिष्यों की संगत स्थापित की गई, जहां पर उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों को व्यतीत किया था। वहां पर क्या होता था कि संगत सुबह से लेकर रात तक ईश्वर के नाम भक्ति में जुड़ी रहती थी और गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित वाणी जपजी साहेब, आसा जी की वार, सोदर, सोहेला आदि का पाठ करती थी। संगत को सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना के उपरांत दो वक्त जो है गुरु का लंगर भी चखाया जाता था। करतारपुर की संगत के जैसे ही दूसरे स्थानों में भी संगतों की ईश्वर के नाम के साथ जो है जोड़ने की कोशिश शुरू की गई, जैसे कि गुरु साहिबान के द्वारा जो है अलग अलग जगह पर जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए, जैसे कि पंजाब के उत्तरी भाग में भाई लालो को, दक्षिण पश्चिम भाग में शेख सज्जन को, बनारस में गोपाल दास को, बुशहर को झंडाबादी, जगन्नाथपुरी में कलयुग, पटना और बिहार के इलाके में सालस राय और लंका में शिवनाग को ये काम सौंपा गया था, ताकि लोगों को परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा जा सके। गुरु नानक देव जी की ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या इम्पोर्टेंस है सिख धर्म में इसकी, सबसे पहले देख लेते हैं। इससे गुरु साहिबान और शिष्यों के बीच में एक तरह से एकता और भाईचारे की भावना आनी शुरू हो गई। दूसरा, जो हिंदू समाज में प्रचलित जाति प्रथा थी, उससे जब गुरु जी ने बोला कि संगत में सभी लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे, कोई रंग जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा, इससे जो कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था, उसका असर कम होना शुरू हो गया। थर्डली, लोगों का जो करैक्टर है, जो शख्सियत है, उसमें बड़ा सुधार हुआ, क्योंकि लोगों ने नेकी और धर्म का काम करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ फोर्थ वन, उनके द्वारा जो है जो संगत की मीटिंग हुआ करती थी, जहां पर होती थी, उस समय उस स्थान को धर्मशाला बोला जाता था और हरेक धर्मशाला की संगत की रहनुमाई के लिए गुरु साहिबान के द्वारा कुछ व्यक्ति अपॉइंट किए जाते थे, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
बाद में इन्हीं धर्मशालाओं के स्थान पर गुरुद्वारा जो है वर्ड यूज किया जाना शुरू हो गया। फिफ्थ, अब गुरु नानक देव जी के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी और इसी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम कहते हैं कि 13 अप्रैल 1699 में संगत में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने पांच जो है सिंहों की, पांच सिखों की डिमांड की और उनको बाद में खंडे का पाहुल या अमृत चकाकर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। हम ये कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी ने एक पौधा जो है उसका एक बीज बोया था जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक बहुत बड़ा पेड़, खुशहाल पेड़ बन गया था और इस पेड़ को जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे गाइडेंस देने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया, दैट वॉज खालसा की स्थापना। सिक्स्थ वन, संगत की संस्था ने सिखों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन को लोकतांत्रिक रूप दे दिया था। अब जो भी बात होती थी तो उसमें संगत की हर चीज में जो है स्वीकारता, एक्सेप्टेंस को माना जाता था। जैसे मैं आपको एक बात, एक घटना बताती हूँ। गुरु हरगोविंद जी एक बार संगत में बैठे हुए थे, गुरु अर्जन देव जी संगत में बैठे हुए थे और गुरु हरगोविंद जी के लिए जो है एक रिश्ता आया था, तो संगत में बैठे हुए थे इसलिए संगत ने उस रिश्ते से मना कर दिया, तो गुरु अर्जन देव जी ने संगत की इस फैसले को एक्सेप्ट किया था। तो ये दिस इज जस्ट एक एग्जाम्पल कि लोकतंत्रीय रूप हो चुका था और अब हम देखते हैं कि अगर सिख धर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास करते हैं, फिर उसके बाद हुक्मनामा लिया जाता है, तो हुक्मनामा एक तरह से गुरु का फैसला होता है अपने बच्चों के लिए या अपने शिष्यों के लिए। तो ये तो होगी संघ सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लंगर। तो लंगर की शुरुआत अगेन एक न्यू इंस्टीट्यूशन था जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी और इनके सभी उत्तराधिकारियों ने और टिल नाउ ये सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, दोनों सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, दो सिस्टम कौन से हैं, लंगर और संगत। तो इसमें जो है गुरु जी ने ये बोला कि जब भी गुरु जी के पास, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सुबह और शाम के टाइम में दो टाइम लंगर मिलता था, तो लंगर में भी इस चीज के ऊपर जोर दिया जाता था कि कास्ट सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, मतलब कि उच्च वर्ग के लोग और जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनको अलग अलग नहीं बैठाया जाएगा, एक ही लाइन में उनको इकट्ठा बैठना होगा। इससे गेन क्या हुआ, जाति प्रथा जो है उसको थोड़ा कम हुआ, डेवलपमेंट, प्रेम प्यार की भावना, समानता का भाव बढ़ना शुरू हो गया और अपनी उदासियों के दौरान भी लंगर संस्था की शुरुआत गुरु जी ने की थी, पर असल में इसका विकास करतारपुर साहिब में किया जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ का एंड का जीवन जो है व्यतीत किया था। यहाँ पर वो कुएं से पानी भरना, चक्की में अनाज पीसना, आटा बनाना, लकड़ियां काट कर लाना और रोटी बनाना और दाल सब्जी तैयार करना, लंगर तैयार करना, इसमें गुरु नानक देव जी की सुपत्नी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब इस सिस्टम से अगेन वही फायदे हुए जो मैं आपको संघ सिस्टम में बता चुकी हूँ। एक तो जाति प्रथा जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी रुकनी शुरू होगी, लोगों में आपसी प्रेम भाव आना शुरू हो गया, सिखों में एकता और समानता, भाईचारे की भावना आनी शुरू हो गई। अब इस संस्था के साथ साथ सिखों के द्वारा समाज सेवा की भावना भी उत्पन्न हुई। अभी भी हम ये चीज देखते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिख जो है वहां पर लंगर लेकर जो है पहुंच जाते हैं और इससे समाज सेवा की भावना आज भी डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ सिख धर्म के प्रचार और प्रसार में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ था। नेक्स्ट जो थर्ड इंस्टीट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं दैट वॉज गुरु गद्दी। गुरु गद्दी का अर्थ क्या है कि गुरु नानक देव जी ने आगे गुरु गद्दी आगे गुरु साहिबान को दी थी, इसीलिए इस धर्म की प्रॉपर डेवलपमेंट हुई थी। जैसे हम कहते हैं कि कबीर जो है बहुत अच्छे भगत थे, अगर मान लो वो अपनी गद्दी जो है आगे अपने फॉलोअर, अपने किसी भी नेक्स्ट सक्सेसर को दे देते तो कबीर वाणी या कबीर विचारधारा जो है आज हमारे में डेवलप होनी थी, पर वो चीज नहीं हुई। पर गुरु नानक देव जी ने गुरु गद्दी की आगे डेवलपमेंट की, आगे व्यक्तियों को अपने नेक्स्ट सक्सेसर को चुना था।
तो गुरु नानक देव जी के चाहे अपने बेटे थे जिनका नाम श्री चंद और लक्ष्मी दास था, बट गुरुगद्दी देने के लिए उन्होंने उनको योग्य नहीं समझा था। योग्य ना समझने का कारण ये था कि गुरु जी ने अपने शिष्यों के एग्जाम लिए थे अपने बेटों के एग्जाम के साथ। एग्जाम जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग पेपर देते हैं उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, वैसे ही गुरुगद्दी की कैपेबिलिटी उस पर्सन में है कि नहीं है, गुरु नानक देव जी ने इसको परखा था। तो इसमें भाई लहना ही सक्सेसफुल हुए थे। भाई लहना जो कि गुरु नानक देव जी के बाद नेक्स्ट गुरु बने और गुरु नानक देव जी ने उनका नाम चेंज करके गुरु अंगद बना दिया था। तो अब मैं आपको कुछ कठिनाइयां बताऊंगी जिसमें गुरु नानक देव जी ने देखा कि गुरु जो अंगद है या भाई लहना जो है वो उसमें सक्सेस हुए हैं। कैसे? जैसे एक घटना है कि बहुत सर्दी पड़ रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, गुरु नानक साहब ने एक जो ना घर की दीवार उनकी रिपेयर करने वाली थी, तो सिखों को बोला कि आप इसको रिपेयर कर दो। तो उसमें एक भाई लहना ही थे जिन्होंने गुरु साहिबान की आज्ञा का पालन किया, उनके बेटों ने भी उनकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। सेकंड वन, एक और सर्दी की रात थी, गुरु साहिबान ने अपने शिष्यों को कपड़े धोने का हुक्म दिया, बाकी सबने मना कर दिया बट भाई लहना ने उसको फॉलो किया। थर्डली कहते हैं कि एक बार गुरुजी ने अपने सिखों को एक मुर्दा श्री का मांस खाने के लिए कहा, बाकी सभी सिख भागे परंतु भाई लहना ने उनकी आज्ञा पालन करते हुए उस श्री की तरफ बढ़े। जब मुर्दे के ऊपर से चादर उठाई तो मुर्दे की जगह पर मिठाइयों को देखकर वे हैरान रह गए। चौथा जो भाई लहना का टेस्ट था वो था कि एक बार जो है वो बहुत घास की एक बहुत बड़ी इकट जो लेके आए थे, सिर पर लाद कर लाए थे, वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था, उनके कपड़े बिल्कुल गंदे थे। और माता सुलक्षणी ने देखा कि गुरुजी ने उनको जो है देखा कि ये कपड़े बिल्कुल भरे हुए हैं, तो माता सुलक्षणी उनको गुरु नानक देव जी को बोला कि भाई लहना जो है उनके कपड़े पूरे कीचड़ से भरे हुए हैं, अभी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गुरु नानक देव जी ने उनको आंसर किया कि ये जो इनके कपड़े कीचड़ से नहीं भरे हुए हैं, असल में ये परमात्मा ने इनके ऊपर अपने नाम का केसर छिड़का है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने नेक्स्ट गुरु जो है भाई लहना जी को बनाया। तो भाई लहना जी जो है उनके सामने गुरु नानक साहेब ने एक नारियल और 5 पैसे रखकर उनके आगे माथा टेका और उनको अपना नेक्स्ट सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था, और उनका नाम जो है अपने श्री के साथ लगाते हुए उनका नाम रख दिया गया गुरु अंगद देव जी। अब गुरु अंगद देव जी की अगर हम देखें, गुरुगद्दी के बैठने का महत्व देखें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह उस समय समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थीं और एक ऐसी रहनुमाई की जरूरत थी कि जो गुरु नानक देव जी के बाद भी फॉलो की जा सके, तो गुरु अंगद देव जी के रूप में हमें वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गुरु आए गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी। अब मैं एक घटनाक्रम बताऊं, गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी से एज में बहुत बड़े थे और फिर भी उन्होंने उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की, तो गुरु अंगद देव जी ने उनको गुरु बनाया। गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी जो कि गुरु अमरदास जी के सन इन लॉ थे। अब बीबी भानी जो है गुरु अमरदास जी की बेटी थी, वो अपने पिता की सेवा गुरु के समान करती थी। कहते कि एक बार वो अपने पिता को स्नान करवा रही थी और उस समय उनकी जिस पीढ़ी पर बैठे थे उसकी कील निकल गई और जिसके कारण जो है उन्होंने अपना हाथ नीचे रख लिया ताकि पिता को कोई तकलीफ ना हो, और उनका जो हाथ से खून निकलने लगा, उनके पिता उनकी इस सेवा से इतनी प्रभावित हुए उन्होंने उनको बोला कि बेटी आप मांगो, क्या मांगते हो? तो बीबी भानी जी ने बोला था कि ये गुरुगद्दी जो है ये हमारे परिवार में ही रहे, परिवार से बाहर ना रहे। तो इस तरह इस चीज को देखते हुए ये गुरुगद्दी जो है परिवार में ही रही थी। तो गुरु अमरदास जी ने अपने बीबी भानी के हस्बैंड जो है जिनका नाम भाई जीठा था, और गुरुगद्दी मिलने के बाद गुरु रामदास जी रखा गया था। गुरु रामदास जी ने अपने बेटे गुरु अर्जन देव जी को गुरुगद्दी सौंपी, गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे गुरु हरगोविंद जी को, फिर उसके बाद गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, देन गुरु तेग बहादुर जी, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को रखी।
दी गई थी। अब कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे जो हैं वो शहीद हो गए थे। बीबी भानी जी ने मांगा था कि परिवार में ही गुरुगद्दी रहनी चाहिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जाने से पहले जो सभी गुरुओं की वाणी है उसको एक ग्रंथ में संकलित किया। उसको नेक्स्ट गुरु जो आज भी हमारे गुरु हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को बना दिया। अब सारे ही सिख जो है वहां से उस परमात्मा की अगवानी को, लीडरशिप को फॉलो करते हैं। तो ये तो होगी गुरुशिप, कॉन्टिन्यूशन ऑफ गुरुगद्दी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया है, दैट वाज गुरु नानक देव जी'स व्यूज ऑन पोजीशन ऑफ विमेन। गुरु नानक देव जी ने उस समय देखा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां जो है वो स्त्रियों के साथ जुड़ी हुई थी और स्त्रियों को बहुत कम दर्जा दिया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। मर्दों की गुलामी के कारण स्त्रियों के आचरण में गिरावट आ चुकी थी। गुरु नानक देव जी ने स्त्रियों की ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रियों को बहुत कमजोर बनाना, एक तरह से हम ये कहें कि समाज के एक पक्ष को कमजोर बनाना है। जब एक पक्ष कमजोर हो जाएगा तो उस सोसाइटी को खत्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए गुरु नानक देव जी ने इस चीज का विरोध किया था। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जो स्त्रियां जो हैं परमात्मा के समान इस संसार को चलाने में कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको हम इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं जबकि वो परमात्मा के समान इस संसार को चलाने में अपना बड़ा योगदान दे रही हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उस समय विमेन को अपनी संगत में, लंगर में बराबर बैठने का दर्जा दिया पुरुषों के समान, ताकि उनकी जो है पूरी डेवलपमेंट हो सके। और इसके साथ साथ जो है गुरु जी ने उनकी उसके बाद गुरु अमरदास जी ने विमेन को बोला कि आप घूंघट नहीं निकाल के आओगे, सिर ढक के संगत में बैठोगे, क्योंकि सिखिज्म में रूल क्या है कि सिर ढक के बैठना है। पर उस समय विमेन को घूंघट निकालना पड़ता था क्योंकि गुरु जी का मानना था। वैसे भी हम इस चीज को देखें कि जब औरतों को आम जो है चलने के लिए घूंघट निकालकर चलना पड़ेगा तो आसपास वो किसी चीज को नहीं देख पाएंगी, उनका जो व्यू है वो उतना वास्ट नहीं हो पाएगा। तो गुरु अमरदास जी ने इस चीज का विरोध किया था कि आप घूंघट निकाल कर जो है नहीं बैठोगे, सिर ढक कर बैठोगे। तो इस तरह जो है विमेन की कंडीशंस को डेवेलप थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, जब उन्होंने खालसा की स्थापना की तो उन्होंने जब अमृत छकाया तो उसमें उन्होंने पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी बराबर के दर्जे दिया, बराबर के अधिकार दिए, उनको समान अमृत छकाया गया, उनके नाम के साथ कौर लगाया गया, सेम ही पांच ककार वो धारण करेंगी, सेम अधिकार उनको दिए गए थे। तो ये तो हो गए गुरु नानक देव जी के द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और विमेन के कंडीशन के बारे में उनके कैसे विचार थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।